नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ। आप देख रहे हैं ऑल हिंदी आइडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप पेटीएम यूज करते हैं और यदि आपका पेटीएम में किसी भी प्रकार का कोई ट्रांजैक्शन है और आपका पैसा फंस चुका है तो वो पैसा आप अपने अकाउंट में कैसे रिसीव करेंगे, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। मान लीजिए कि आपने कोई मोबाइल रिचार्ज किया और मोबाइल रिचार्ज हुआ भी नहीं और आपके अकाउंट से पैसे भी कट गए, तो वो पैसे आपको कैसे वापस मिलेंगे, आपको कैसे कस्टमर केयर से कॉन्टैक्ट करना है और आपको अपना पैसा वापस लेना है, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। चाहे आपने बिल रिचार्ज किया हो या कोई भी पेटीएम टू पेटीएम मनी ट्रांजेक्शन किया हो, आपको पैसा वापस मिल जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा, इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। तो बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो चलिए दोस्तों, मैं आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करें उससे पहले आपको बता दें कि यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि इसी प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। आपको अपना पेटीएम ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपको 3 डॉट मिलेगा, तो इसके ऊपर आप क्लिक कर लीजिए। उसके बाद में माई ऑर्डर्स में आपको जाना है और यहाँ पे जो भी आपने रिचार्ज किया होगा या आपने बिल पेमेंट जो भी ट्रांजेक्शन किया यहाँ पे वो आ जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा, जो सेकंड वाला रिचार्ज है वो मेरा फेल हो गया है और मेरे अकाउंट से पैसे भी कट गए लेकिन मेरा रिचार्ज भी नहीं हुआ है। तो यहाँ पे मैं इसी के ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो कि जो पेमेंट है ना वो फेल हो चुका है। उसके बाद में यहाँ पे मैं स्क्रॉल करूँगा और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा 24/7 यानी हेल्प का जो ऑप्शन है, तो इसके ऊपर आप क्लिक कर लीजिए। उसके बाद इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पे लिखा हुआ है माई क्वेरी इज नॉट लिस्टेड, तो इसके ऊपर आप क्लिक कर लीजिए। यहाँ पे आपको क्वेरी क्या डालनी है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो मैंने मोबाइल रिचार्ज किया है वो फेल हो चुका है और मेरा पैसा भी कट गया है लेकिन वो पैसा मुझे वापस चाहिए, रिफंड चाहिए, मुझे नहीं मिला है। तो यहाँ पे मैं इंग्लिश में टाइप करके आपको बता देता हूँ, यही आपको हुबहू टाइप करना है। ये वाला मैसेज आपको टाइप कर लेना है। ये मैसेज वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है तो वहाँ से भी आप इसे कॉपी कर सकते हो। यहाँ पे जो मैंने लिखा है वो प्लीज़ रिफंड माई मनी, रिचार्ज नॉट सक्सेसफुल बट डिडक्ट मनी माई अकाउंट, तो ये आपको मैसेज लिखना है। उसके बाद में आपको सेंड पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद में जो आपने जो रिक्वेस्ट डाली है वो कस्टमर केयर के पास चली जाएगी और कस्टमर केयर उसको चेक करके यदि आपका पैसा रियलिटी में कटा है तो आपको अपना पैसा वापस 48 से 72 घंटे के अंदर आपको अपने अकाउंट में वापस पैसा मिल जाएगा, नहीं तो आपको कस्टमर केयर की तरफ से रिप्लाई मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार कस्टमर केयर से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपना पैसा रिफंड ले सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए।